तो फ्रेंड्स ये पार्ट सेकंड है हाउ टू राइड स्केटबोर्ड का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप अपने व्यूवर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, न्यू मतलब स्केटबोर्ड कौन सा अच्छा पड़ेगा। और फ्रेंड्स मैंने 4 मंथ स्केटबोर्ड यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू देना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स आप ये वेब बोर्ड लीजिए क्योंकि ये आप कहीं भी टर्न कर सकते हैं और इसके व्हील 360 रोटेट्स हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरा ये वाला स्केटबोर्ड। तो फ्रेंड्स इसमें कोई रोटेशन आप नहीं कर पाएंगे, इसे आप जिस तरफ चाहे उधर का पुश करेंगे तो ही ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे इसलिए आपको ये वाला वेब बोर्ड लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपने पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बता दिया था कि आप कभी स्टैंड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आपको फर्स्ट लेग आपको फर्स्ट पैड पे रखना होगा और फ्रेंड्स थोड़ा सा धक्का देके आपको सेकंड पैड पे ऐसे रख देना है। फ्रेंड्स मैं बिना धक्का दिए ही स्टैंड हो जाता हूँ क्योंकि मुझे आदत है, मेरा हैबिट है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने वेब बोर्ड को टर्न कर लेता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखा देंगे आप कैसे, आपको इस ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपने वेब बोर्ड को टर्न कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे है आपको रोटेट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कैमरा ले लेता हूँ साथ में। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको थर्ड पार्ट चाहिए क्योंकि मैं थर्ड पार्ट इस वाले स्केटबोर्ड का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ कमेंट करके बताना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।